पकवान और मिठास में नंबर वन। यही कारण है कि माखन भोग को बनाता है नंबर वन। नमस्कार, आप से मौजूद हूँ सिलीगुड़ी के ढाई माइल पर स्थित ओएसएल टावर पर सिचुएटेड माखन भोग के नए आउटलेट में, जिसकी आज हो चुकी है ग्रैंड ओपनिंग। जी हाँ, माखन भोग, वो नाम जो पिछले कई सालों से लोगों के दिलों में राज कर रहा है। अपने बेस्ट क्वालिटी के कारण आज माखन भोग सभी लोगों के दिलों में राज कर रहा है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं अंदर। जी हाँ, माखन भोग की और नई आउटलेट की आज ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। सिलीगुड़ी के ढाई माइल पर स्थित ओएसएल टावर पर सिचुएटेड है माखन भोग स्वीट एंड रेस्टोरेंट। तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं अंदर। स्वीट एंड रेस्टोरेंट में आपको मिठाइयों की एक से बढ़कर एक रेंज और वैरायटी उपलब्ध मिलेंगे, वो भी सर्वोच्च क्वालिटी, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ। इसके अलावा यहाँ रेस्टोरेंट को भी तैयार किया गया है, जहाँ आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ लाजवाब व्यंजनों का लुत्फ उठा पाएंगे। देश के विभिन्न राज्य के व्यंजनों का स्वाद आप माखन भोग में चख पाएंगे, वो भी गार्लिक और अनियन फ्री। पहुंचे हैं माखन भोग के इस नए आउटलेट में, जो कि फोर्थ आउटलेट की आज ग्रैंड ओपनिंग हुई है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे नो गार्लिक नो ऑनियन क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पे जितने भी जो मिठाइयों के जो भी यहाँ पे रखे गए हैं आइटम्स, साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग जो जितने भी आइटम्स हैं, साथ ही ऊपर में जो रेस्टोरेंट को तैयार किया गया वहाँ पे भी आपको प्योर वेज यहाँ पे व्यंजनों के आइटम्स यहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हर सेगमेंट को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है। मिठाइयों का सेगमेंट अलग से तैयार किया गया है, बेकरी का सेगमेंट अलग से तैयार किया गया है, चॉकलेट का अलग से सेगमेंट यहाँ पे तैयार किया गया है, ब्रेड का अलग से सेगमेंट तैयार किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे हर एक चीज़ को ध्यान रखते हुए इस पूरे आउटलेट को तैयार किया गया है। यही कारण है कि आज माखन भोग नंबर वन की रैंक पर आती है पूरे सिलीगुड़ी शहर में। ओएसएल ग्रुप के एमडी से, सर इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज माखन भोग का एक नया आउटलेट की ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है, क्या अनुभव शेयर करेंगे? बहुत खुशी की बात है, और खाली हमारे लिए नहीं सिलीगुड़ी की जनता के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग उनको एक बहुत बेहतरीन खाने पीने का आउटलेट दे पाए। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि हम लोग का जो उद्घाटन के समय में हम लोगों ने जितने लोगों को एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा भीड़ उमड़ी है, उसके लिए बारंबार धन्यवाद सिलीगुड़ी की जनता को। और बहुत खुशी और हर्ष और उल्लास का माहौल यहाँ छाया हुआ है, उसके लिए मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कारण है जो इतने सालों से लोगों का इस तरह से विश्वास जुड़ा है माखन भोग से? एक ही शब्द में बोलना चाहूँगा, सिलीगुड़ी के जनता का प्यार और हमारा क्वालिटी, हाइजीन और प्योरिटी पर बरकरार रहना, यही एक मूल मंत्र है हमारा, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ आपके समक्ष इतना बढ़िया फैसिलिटी दे पाए हैं। और सिलीगुड़ी की जनता से गुजारिश है कि इसका लुत्फ उठाए और हमें आगाह करें, इसमें और कोई इन्वॉल्व इम्प्रूवमेंट करनी हो तो हम लोग जरूर करें। तीन आउटलेट ऑलरेडी आप लोगों की है और साथ ही आज चौथा आउटलेट की ओपनिंग हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या कुछ ऐसा अलग करने वाले इस आउटलेट? देखिए, इस आउटलेट में हम लोगों ने सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई है, इंटीरियर्स पर बहुत ध्यान दिया है, एटमोसफेयर पर बहुत ध्यान दिया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ आइटम्स जो है हमारे ओवरऑल आउटलेट के बनस्पत ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ एक छोटा सा स्मॉल गेट टुगेदर पार्टी टाइप का माहौल भी बन सकता है। और हमारे और जितने आउटलेट्स हैं वो सिंगल लेयर पे हैं, ये हमारे डुप्लेट टाइप का हम लोगों ने एक आउटलेट दिया है।
जो अपने आप में देखने में स्टेट ऑफ आर्ट काइंड ऑफ फैसिलिटी लग रहा है एंड लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। सुबह से हम लोगों के पास में बधाई का तांता लगा हुआ है, उसके लिए हम सिलीगुड़ी की जनता को फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, जो हम लोग रेस्टोरेंट तैयार किए हैं उसमें हम लोगों ने सबसे आधुनिक मशीनें लगाई हैं, हाथों से काम बहुत कम मशीन से ज़्यादा, क्योंकि हम लोग हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं और प्योरिटी पे ध्यान दे रहे हैं और हमारी जितने भी मशीन जाएँ बहुत हाईटेक और एक्सक्लूसिव आई है और हम लोगों ने जो व्यंजन लगाए हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यंजन लगाए हैं, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, मैक्सिकन, राजस्थानी, लोकल क्यूज़ सब लगाए हमने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ का जो फर्स्ट फ्लोर में हम लोगों ने बैठने का अरेंजमेंट किया है, वहाँ का माहौल बहुत सूदिंग है, एटमोसफेयर बहुत प्लेजेंट है, तो लोगों को बिल्कुल पसंद आएगा और हमको पूरा विश्वास है कि 100% पसंद आएगा लोगों को। आने वाले समय में हम लोग और भी बहुत सारे आउटलेट्स लाएंगे, वो हमारे पाइपलाइन में, वो अभी हम लोग आपस में फाइनलाइज होने के बाद में हम लोगों को आपसे जरूर शेयर करेंगे। हमने आपको दिखाया नीचे स्वीट का जो सेगमेंट है, नीचे एक फ्लोर है, ऊपर लेके चलते आपको हम पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट की तरफ और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर माखन भोग में रेस्टोरेंट को तैयार किया गया है।